मॉर्निंग। ओह लाइट्स कब हो जाता पता नहीं है। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। और मैं बनाती हूँ चाय। आए 3-4 दिन तो आई थिंक हो गए, 2-3 दिन हो गए शायद, लेकिन मन नहीं लग रहा। हैबिट पड़ जाएगी इस साइड का, हर जगह की हैबिट इस साइड से पड़ती है। वहां ना पहले मैं ऐसे खोलती थी तो मुझे ना बार बार एक जगह से पुल करती हूँ उसको, कि चाय पत्ती का निकालने के लिए, कुछ भी निकालने के लिए। इधर आने के बाद एक अच्छी चीज़ ये करी है मैंने आज, क्योंकि आज से ही एक्चुअली हमारा जो रूटीन है वो स्टार्ट हुआ है दोबारा। अभी तक तो हम रात को किस टाइम पे सो के काम करके, मतलब बहुत लेट लेट रहा था, और सुबह तो फिर भी चलो 8 बजे तक पहुँच जाते थे। अभी ये है कि मैं टाइम ही उठ गया, सो दैट कि मैं टुकड़े उठाऊँ थोड़ी देर में और उसको क्लास के लिए रेडी करूँ और फिर अपने कुछ काम करूँ। फिर यहाँ पर मैंने एक हाउसकीपर को बुलाया है, आई डोंट नो आएंगे कि नहीं आएंगे, ये भी भरोसा नहीं है। अगर आ गए तो मैं थोड़ा सा घर रेडी कर देती हूँ, हल्का फुल्का झाड़ू पोछा लगाने की जगह तो हो। अभी जो पता ही है बहुत टाइम लगता है यार, इजीली नहीं होता। कल मैं शाम को जिन्हें वो बोलती चाहिए और इतने नए शूज का ऑफ ना, जिन्हें बोलते क्या होगा शॉप खत्म हो गया। मैंने नहीं शॉप नहीं खत्म होगा, लेकिन एक चीज़ देखती है कि अगर मैं सिर्फ घर पे ही ध्यान दूँ तो मैं बहुत नीट रह सकता है, मतलब नीट मीन्स क्या चीज़ जितने हम चाहते हैं वैसे हो सकती है। फिर ऐसे फिर बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पर जाता है, लेकिन कोई बात नहीं। नो यू नॉट गोइंग टू स्टॉप ब्लॉगिंग नाउ, यू नॉट स्टॉप, तुम्हें अच्छा लगता है आई नो। इसके लिए हम हाउस हेल्पर, जैसे मैं काफ़ी टाइम से खुद ही कर रही थी ना, तो उन्होंने बोला नहीं वैसे भी बहुत सी चीज़ें एक साथ चलानी हैं तो कहीं कहीं हेल्प लेनी ज़रूरी होती है। तो लो तुम्हारा शौक है, तुम्हारा मन है, तुम करो। मैंने 2 दिन से ढंग से कॉम भी नहीं करी है, क्योंकि सामान में कॉम कहाँ पड़ी है मुझे नहीं पता है, और मतलब काफ़ी सारा सामान अभी बना ही हुआ है इसलिए। और मैं जो यूज़ कर रही हूँ वो दूसरी हो रही होती है, जुए निकालने वाली कॉम, को उससे कॉम नहीं होती ढंग से, उससे बाल लड़ गया हाथ में रहेंगे सारे। रेडी हो चुकी है और हम चलते हैं रूम में। इतनी हिम्मत नहीं पड़ी थी मैं को रात को कि मैं स्टेयर बाहर निकाल रहे। 2-3 दिन में काफ़ी सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी, काम काफ़ी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। अभी मेरे पास एक्चुअली टाइम नहीं होगा क्योंकि ट्यूब की क्लासेस मुझे लगानी पड़ेंगी। वैसे तो मैं लगा ही रही थी, बट फिर भी एक एक दो दो दिन करके आई थिंक पिछले कुछ दिनों में 3-4 क्लासेज ट्यूब की वीक क्या हुई हैं, बंक हुई हैं, नहीं लगाई नहीं है, पता नहीं कुछ वर्ड भूल गई बोलते बोलते। ठीक है, और चलो बैठते हैं और चाय पीते हैं। पहले वो थोड़ा सा तंग करेगा मुझे क्लास लगाने के लिए, आई थिंक सो। यहाँ मैं अलमारी जो है ना वो अंदर की तरफ साफ़ कर रही थी, बहुत गंदे गंदे दाग पड़े हुए हैं। तो वैसे तो इजीली साफ़ हो जा रहे हैं, ऐसा नहीं है इजीली, मतलब इतना इजीली नहीं, बट हो जा रहे हैं ऐसा कोशिश कर रही हूँ मैं तो, लेकिन बस टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के लिए। तो बस जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ पहले कर लेंगे, जहाँ नहीं होगा वहाँ बाद में कर लेंगे। मामा के मैकेनिक टूल से क्या करना है, पहले मैकेनिक टूल से क्या करना है?
आज ना मैं अलमारी की पूरी सेटिंग करना चाहती हूँ, मतलब कि इस चीन के जो कपड़े हैं वो अलमारी में चले जाएं, और हमारे भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डेली के जो होते हैं ना कि मतलब घर पहनने वाले या कुछ भी, तो वो सब कुछ अलमीरा में चले जाएंगे, तभी जाकर डेट खत्म होंगे। लेकिन सच कहूँ ना तो सही है यार, एक्टिव बने हुए हैं अपने आप, आप सुबह उठ के लग जा रहे हो। वैसे तो और दिन भी लग जाते थे, पर और दिन के काम कुछ और होते थे और अब के काम कुछ और है, और यहाँ जब का टोस्ट तैयार हो रहा है कि ही वॉज टोस्ट, ठीक है, अभी ब्रेड अलग खाते हैं एंड टोस्ट अलग खाता है, टोस्ट। और डिगू की लास्ट क्लास का टाइम होने वाला है, अभी मैं क्लास लगाते लगाते बीच में सफाइयाँ कर रही हूँ, अच्छा जैसी मतलब याद नहीं आ रहा, फटाफट बढ़ते आती हूँ। और एक डर तो ना ये लगता है, ये देखिए बच्चा ना सर कैमरा यहाँ वहाँ पर करते हैं या अनम्यूट कर दे, तो बड़ा मुश्किल है ऑनलाइन क्लासेस में ऐसे। कल मुझे ठंड कम लग रही थी, पर आज ऐसा लग रहा था कि ठंड वापस आ गई है। आदमी ये लो, चलो खाओ, दिन का एक बज गया है और अभी बन रही है चाय। मैंने अभी बिना नहाए ही सिर्फ मुंह धोया था और लंच कर लिया है, क्योंकि काम है कि ख़त्म नहीं हो रहा। मैं ये ऐसी बनी हूँ क्योंकि अगर मैं कैप हटा दूँ ना तो मुझे बहुत ठंड लग रही है सिर को उस टाइम, इसीलिए मैंने कैप पहन के रखी हुई है। मेरे यहाँ पर कुछ कुछ कोई एलर्जी हुई है, पता नहीं क्या हुआ है। और अभी मैंने एक कमरे की अलमीरा सेट करी, झाड़ू भी दे दिया है, अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है, अब मैं नहाएंगे हम ताकि हमें ऐसा बुरा ना लगे, और उसके बाद हम फिर से एक बार किस तरफ जाएं यार, किचन की तरफ आएँ पहले। आई थिंक किचन सेट कर लेनी चाहिए मुझे अच्छे तरीके से, और अंदर का तो काफ़ी कुछ निकाला है, लेकिन मैं सच बताऊँ तो अभी तक सिर्फ और सिर्फ 20-30% हुआ है, 20-30% हुआ है, बहुत ज़्यादा बचता है अभी। मेरे आँखों नीचे काले गड्ढे क्यों हैं? ज़्यादा सो रही हूँ इसलिए। देखो उधर को जाओ बेटा, मम्मा को बैठना है, जगह जगह है नहीं करना। क्या आओगे आना बेटे, इसमें ये क्या है, ये क्या, ये क्या दिखाना, कागज है, ये पेपर है, डुगु और मम्मा कैपी कैपी ने और आग ने से हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आग ने देखा है बर्बीन्स नहीं, बर्बीन कैफे नहीं, पेट्रोल, ये पॉप पेट्रोल थोड़ी नहीं, तो बर्बीन है। डुगु की फरमाइश पे हलवा बन गया। हाँ जी बेटा, राम राम के साथ एक मफिन भी आना। माफिन नहीं है, तू जो टीवी पे देखता रहे वो सब कुछ मेरे से बनवाता है, प्लीज नहीं। कुछ नहीं, कुछ नहीं उसके अंदर, कुछ नहीं है, मानेगा नहीं डुगू, आप जाओ, यहाँ पर हॉट हॉट वाला काम हो रहा है, ठीक है। इतनी देर से ना इस बॉटल को खोलने की कोशिश करके खुल नहीं रही है, वही बॉटल है जिसमें मुझे ऑयल डालना होता है, पहले भी एक दिन इतने अच्छे से साफ कर दिया मैंने, इवन गर्म पानी डाल रही हूँ अंदर, फिर भी कुछ नहीं होता है। बहुत देर हो गई मुझे करते करते, हर तरीका मैंने आजमा लिया है, मेरे हाथ भी थक चुके हैं। इसको अब इसके अंदर पानी डाल के इसको ऐसे ही वॉश करना पड़ेगा गर्म पानी से, पर तेल कैसे डालूंगी इसके अंदर वो भी एक इशू है। ना जी ना, ये नहीं खुलेगा, और इस बॉटल को ओपन करते करते मेरे हाथ दुख चुके हैं, और चलो मैं कोशिश करती रहती हूँ और ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए बाय बाय।